दिस वीडियो इज फॉर क्लास 5 क्लास 6 लेसन नेम इज एयरली ह्यूमन एंड टॉपिक नेम इज साइट। साइट का मीन्स होता है जगह स्थान। तो एयरली मैन आदि मानव जहाँ पर पहले रहते थे उस जगह के बारे में थोड़ा एविडेंस प्रमाण मिलता क्या है कि प्रमाण ये मिलता है कि शिकारी और संग्राहक के रूप में मानव अनेक प्रकार के खोज किए। ये प्रमाण पत्थर के निर्मित और अर्ध निर्मित हथियारों से मिलते हैं और ये पाए जाने वाले ये जिस स्थानों पर पाए जाते थे उनको कहते हैं साइट्स जगह। जिन जगहों पर ये लोग आविष्कार किए उस साइट्स को जगह या स्थान के नाम जाना जाता है। तो तुमने ध्यान दिया होगा बच्चों कि ये जितने भी ये मैप हैं इन मैपों में जहाँ भी आदि मानव एयरली ह्यूमन रहते थे वे नदियों के किनारे किनारे अक्सर बसते थे। क्योंकि वे नदियों के किनारे इसलिए बसते थे क्योंकि उनको पीने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए जिससे कि उनको पानी पीने के लिए परेशानी ना हो और भटकना ना पड़े। तो ये दो जगह है जैसे कि बैगर राजस्थान में पड़ता है ये भी नदी के किनारे बसा हुआ है और इन स्थानों पर एयरली ह्यूमंस के रहने के प्रमाण मिलते हैं। फिर इसके बाद एनमगढ़ एमपी में पड़ता है ये भी नदी के किनारे है यहाँ भी एयरली ह्यूमंस के रहने के प्रमाण प्रूफ मिलते हैं। और इसके बाद अब आएंगे हम ह्यूमन मेक टूल्स। ह्यूमन मेक टूल्स इसका मतलब होता है मानव निर्मित हथियार। मानव निर्मित हथियार या औजार कह सकते हैं, औजार कह सकते हैं। तो अधिक से अधिक तीनों पाषाण कालों में जैसे ओल्ड पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, इन तीनों पाषाण कालों में अधिक से अधिक हथियार के लिए पत्थरों का प्रयोग किया है। क्योंकि पत्थर उस जमाने में उस समय में आसानी से हर जगह मिल जाते थे, अवेलेबल थे, इसलिए उन्होंने अपने जितने भी वेपन्स हथियार बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया उनमें पत्थरों का यूज करते थे। और ये पत्थर उनको शुरुआत में इसीलिए उन्होंने पत्थरों की खोज की और अनेक प्रकार के उसी से पत्थरों के हथियार वेपन्स बनाए जो उनको शिकार करने में और दूसरी चीज़ों को करने में आसानी होती थी।